तो गाइस जैसे कि आप पीछे से देखते आ रहे हैं कि मैंने क्या किया है अभी, मैंने इससे पहले व्लॉग में डेकोरेशन दिखाई थी जो कि आपको पसंद आई हो शायद, और अभी मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रहा हूँ क्रिसमस ट्री को। और मेरे को गाने भी मिल गए थे क्रिसमस के, बट वो बोलने वाले नहीं मिले, ट्यून्स मिली थी तो मैंने वो अप्लाई कर दिए हैं जो कि आप पहले देखोगे। और अभी मैं फ़िलहाल के लिए मेरे क्रिसमस ट्री पर बॉल्स लगा रहा हूँ, तो आप ये इंजॉय करो। तो गाइज अभी मैं यहाँ पे बेल्ट्स लगा रहा हूँ और ये टिक ही नहीं रही थी, बारी बारी लुढ़क रही थी, बारी बारी गिरी जा रही थी। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ये श्याम बाबा मेरे पास बैठे हैं, है ना श्याम बाबा, श्याम बाबा भी मेरे पास बैठे हैं गंदे बच्चे वाले। तो अभी मेरा जो आप वीडियो में देख रहे हो अभी ये बन रहा है, जो मेरे आगे पड़ा वो ऑलरेडी तैयार है क्योंकि मैंने ही तैयार किया हुआ है इसको, और बहुत टाइम लगा, कम से कम ये चीज़ करने में आधा घंटा लगा। और मेरी स्टोरेज फुल थी तो मैंने आपको बताया था मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है।
गाइस, कुछ ऐसा है मेरा क्रिसमस ट्री जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। और मैंने नीचे से स्टूल हटा दिया क्योंकि मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था और आसमान तक पहुंच रहा था क्रिसमस ट्री। तो मुझे इतनी हाइट का ही नीचे से शुरू करो और ख़त्म यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे से मैंने सामान लगाया है, देखो कुछ मेरा पुराना भी था कुछ नया भी था। तो अब मैंने पीछे की कुछ डेकोरेशन करनी है, जब मैं वो डेकोरेशन पूरी कर लूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए वेट करो। और मेरी स्टोरेज एकदम से फुल हो गई थी तभी मेरे को वीडियो रोकनी पड़ी। गाइस, फुल डेकोरेशन मेरी हो चुकी है और फुल डेकोरेशन कुछ ऐसी, और मैंने इसमें ये वाली लाइट्स लगाई हैं जो बलून में आती थी पहले 100 रुपीज़ वाले। और अब मैं आपको इसके पासिंग बाय गाइस, अगर आपको क्रिसमस का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बाय गाइस, तो मेरी क्रिसमस।